हाय गाइस, व्हाट्सअप जी शोजित और शो टीवी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी राशियाँ जो सबसे ज़्यादा समर्पित हैं। मतलब कुल 12 राशियों में से दो ऐसे राशियाँ जो सबसे ज़्यादा समर्पित हैं। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि लोगों के पास पहुँचे, और नीचे कमेंट जरूर करना कि इन दोनों राशि में से क्या आपका राशि है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर राशि में कुछ अलग चीज होती है जिसके कारण वो राशि अलग होती है। मैंने इन दोनों राशि में एक क्वालिटी देखा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने बाकी राशि के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, उनके क्वालिटी उनके बिहेवियर के बारे में आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ये दो राशियाँ सबसे ज़्यादा समर्पित होते हैं किस मामले में? रिश्तेदारी निभाने में, रिलेशनशिप निभाने में, दोस्ती करने में, दोस्तों के लिए मर पीटने वाले। एक बार किसी को ठान लिया तो उसको करने वाले, बिना कुछ माने, बिना कुछ जाने जब फ्यूचर में इसके कारण क्या हो सकता है। ये लोग चौक पत्ते दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, सब कुछ के लिए। बट जब इनके बारी आती है कुछ मानने की, कुछ चाहने की, कुछ पाने की, तब जैसे किस्मत इन पे रूठ जाती है, इनको मिलता नहीं, दुखी हो जाते तब। अगर उनकी राशि में उनका लॉर्ड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहे तो ऐसा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, मतलब लियो। ये सबसे ज़्यादा समर्पित राशि है, काल पुरुष की पांचवी राशि और बड़े ही देवी राशि। ये लोग सोचते नहीं, जब किसी को अपना दोस्त, अपने रिलेटिव, अपना माँ, अपने बाप एक बार मान ले, उसके लिए मर बीतने वाले होते हैं। ये लोग बदले में कुछ चाहते नहीं, कुछ मांगते नहीं। दुनिया के सबसे प्यारे दो रिश्ते होते हैं बाप और बच्चों की, और माँ और बच्चों की। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो बहुत ज़्यादा लकी है। अगर आपके पिता, आपके माता, आपके कोई दोस्त, आपके रिलेटिव कोई सिंह वाले, तो आप बहुत ही लकी है। वो लोग आपके लिए मर पीटने वाले होते हैं। अगर इनकी राशि में, इनकी कुश्ती में अगर आप देखेंगे, अगर सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब 12 से 18 डिग्री, और मून बहुत ही 12 से 18 डिग्री में है, तो ये होना ही होना है। अगर दोनों पीड़ित है, अगर दोनों की 0 डिग्री है, तो ये शायद कुछ उल्टा होगा। ये लोग बहुत तेज़ी होते हैं, इनमें तेज बहुत होता है। अपने दोस्ती के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए ये लोग दूसरे से लड़ते भी है। अगर वो व्यक्ति उनको पसंद भी है, फिर भी लड़ जाते हैं, क्योंकि अपने परिवार के लिए। तो दूसरे नंबर पे आते हैं स्कॉर्पियो, काल पुरुष की आठवीं राशि, कुप्तंग की राशि। इनके लॉर्ड होते हैं मंगल। ये भी बहुत समर्पित होते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि कुंडली मिलाओ इन दोनों की, तो मैं पहले देखता हूँ कौन सी राशि है। अगर मैंने देख लिया वो लोग सिंह और स्कॉर्पियो वाले हैं, तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। आमतौर पे ये राशि बहुत चुपचाप रहने वाली होते हैं। अगर कोई इनको पोक करे तो ये लोग सह लेते हैं, क्योंकि अगर वो हद से बच जाए तो ये लोग डस भी लेते हैं। उनके दोस्त, उनके परिवार उनके सामने ना रहे, फिर भी वो लोग दूसरे के साथ लड़ भी सकते हैं, चाहे वो लोग जाने या फिर ना जाने। दोस्ती ये लोग दिल से निभाते हैं, जब तक जान इन पर रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हर चीज़ लुटा देने वाले होते हैं। अगर आपका स्कॉर्पियो है तो आप बहुत ही लकी है, मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही लकी है। ये लोग शायद कुछ चाह भी ले, थोड़ा सा इनमें चाहत रहती है, किंतु ये गलत नहीं होता। किसी चीज़, इतना काम करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अगर कुछ चाह ले। अगर इनका मंगल नीच का हो या फिर पीड़ित हो या शून्य डिग्री में हो, तो ये लोग चीट कर भी लेते हैं दोनों राशियाँ। अगर सबसे अच्छे दो राशि में इन दोनों को देना चाहूँगा शादी के मामले में।
आखिर में जाता तो एक कुछ चीज़ कहना ज़रूर चाहूँगा, आप दोनों राशियाँ मत जाना, आप लोग जैसे काम करते करते जाइए। अगर डायहस का कुछ काम करते डायहस से कुछ काम करते हैं तो बाहर को पता भी नहीं चलना चाहिए, आप लोग करके जाइए। सोचिए मत उसे बदले आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत दूसरों के सामने बुरे हो जाते हैं जब आप कुछ चाह लेते, चाहे तो गलत भी नहीं होता, लोग आपको कभी कभी समझते भी नहीं, तो मत जाना। लेकिन सिंह राशि वाले हैं अर्थ की राशि और स्कॉर्पियो वाले हैं पानी की राशि, ये दोनों राशि अगर एक साथ लिस्ट पे आना चाहे तो इन दोनों में थोड़ा सा जेलसी रहेगा, कुछ पॉइंट पे एग्री भी करेंगे लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा जेलसी भी रहता है। इन दोनों राशि में यही खास बात है, एक मंगल की राशि एक सूर्य की राशि, ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है। तो अगर आप दोनों एक साथ है तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों कर लीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिंह की राशि और स्कॉर्पियो की राशि का लिंक मैंने नीचे साइड दे दिया आप, और फिर आखिरी में दे दूँगा आप देख सकते हैं।